देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी और हमारे दैनिक कार्यक्रम समय चक्र में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद है ज्योतिष पंडित रविशंकर जी, जिनसे आज हम जानेंगे कि क्या कहता है आज का राशिफल और क्या है आपकी हर एक समस्या का समाधान। पंडित जी, यूं तो हर एक दिन का कुछ ना कुछ पंचांग होता है, आज का पंचांग आखिर क्या है? जी नमस्कार। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। आज का पंचांग विक्रम संवत 2080 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, दिन शुक्रवार, पुनर्वसु नक्षत्र है और चंद्रमा कर्क राशि में विराजमान है। सूर्योदय सुबह 6:17 और सूर्यास्त शाम को 5:22। आज का दिन हर एक राशियों के लिए क्या कुछ लेकर आया है? सबसे पहले पंडित जी, हम जानना चाहेंगे कि मेष, वृष और मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कुछ लेकर आया है? जी मेष राशि वालों के लिए आज कारोबार में उन्नति है, पिता के सहयोग से लाभ होगा और फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें, साथ ही पिता का सम्मान करें तो आपके लिए दिन बहुत अच्छा रहे। दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए समय प्रतिकूल है, वाणी पर संयम रखें, कारोबार में लाभ हानि देखकर ही इन्वेस्टमेंट करें, धन हानि भी हो सकती है, तो इसका विशेष आपको ध्यान रखना होगा वृषभ राशि वालों के लिए। तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए शारीरिक परिश्रम से धन लाभ होगा, आपको पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, साथ ही अपने मन में शांति रखें, नहीं तो आपका मन अगर अशांत हुआ तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए पंडित जी, अब हम जानना चाहेंगे कि कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन आखिर कैसा रहने वाला है? कर्क राशि वालों के लिए चौथी राशि कर्क राशि कारोबार में सफलता के योग हैं, धन लाभ के भी प्रबल योग हैं, साथ ही आपको कार्य कुशलता से करने चाहिए और मीठा बोलिए आप तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पांचवी राशि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, पिता का विशेष ध्यान रखें, साथ ही आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है और आपको अगर नौकरी कर रहे हैं तो उसमें तरक्की के भी योग हैं। छठी राशि आपकी कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए संतान से लाभ के योग हैं, साथ ही अगर आपको संतान की चाह है तो संतान की तरफ से शुभ समाचार मिल सकता है, फिजूल खर्ची से बचें, नहीं तो आपको आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो पंडित जी, अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लिए आज का दिन क्या कुछ कहता है? तुला राशि वालों के लिए थोड़ा आप अध्ययन करके ही कोई कार्य करें, उससे लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में विस्तार का योग है, अपनों से सहयोग मिलेगा और अपने किसी पुराने से आपकी मुलाकात हो सकती है, साथ ही आपको आर्थिक लाभ होगा। अब आगे की राशि वृश्चिक राशि, आठवीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए आप पुरुषार्थ से लाभ है, आपको नया रास्ता मिलेगा अपने करियर में, साथ ही वृश्चिक राशि वालों के लिए अपने गुस्से पे नियंत्रण रखें, साथ ही आपको शत्रुओं का प्रभाव रह सकता है, उसका विशेष ध्यान रखें, कार्य आपके सिद्ध होंगे। नवमी राशि, नवम राशि धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए संतान सुख में वृद्धि होगी, साथ ही भूमि वाहन का लाभ हो सकता है, आपको भोग कर सकते हैं और आपकी कार्य में रुचि बढ़ेगी, साथ ही आपको मान सम्मान में भी वृद्धि हो सकती है। तो देखिए पंडित जी, ये तो रही कुल 9 राशियों की बात, अब 3 राशियां शेष हैं और उन 3 राशियों के सितारे आज के दिन क्या कुछ कहते हैं? दसवीं राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए नौकरी व्यवसाय में भाग्य का पूरा साथ रहेगा, साथ ही किसी गलत कार्य का पश्चाताप भी आप कर सकते हैं, अगर आप कोई जीवन में गलत कार्य किए होंगे तो उसको आप सोच सकते हैं कि मैंने ये गलत किया है, हो सकता है धन हानि भी हो जाए, लेकिन
फिर निरर्थक खर्च से बचना होगा तो आपके लिए जीवन अच्छा रहेगा। 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए परिश्रम के साथ सफलता आपको मिलेगी। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा लेकिन आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी अपने से दुखद समाचार भी आपको आज प्राप्त हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा सावधान रहें। आखिरी राशि अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि अपने से पारिवारिक सुख मिलेगा, ठीक है। समय अनुकूल है, आपका समय पूरा साथ देगा। धन प्राप्ति के योग हैं। कारोबार में भी आपको तरक्की हो सकती है। साथ ही शत्रु से आपको बचना पड़ेगा। शत्रु से अगर बचेंगे तो आपके लिए विशेष रहेगा। यू तो देखिए पंडित जी, आपने हर एक राशियों के बारे में बताया और क्या कुछ उपाय करने की जरूरत है, अगर कोई समाधान है तो उसके बारे में भी बताया। लेकिन आज का दिन किस राशि के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल रहने वाला है? देखिए आज सबसे अच्छा है मेष राशि वालों के लिए, लेकिन आपको अपने पिता का सम्मान करना होगा। साथ ही आपको सिंह राशि वालों के लिए अच्छा है, मान सम्मान में वृद्धि। अगर आप प्रमोशन के हकदार हैं तो वो भी आपको मिल सकता है, शुभ समाचार मिल सकता है। उसके साथ आपकी जो मीन राशि है वो भी अच्छी राशि है, तो इन तीन राशियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। शेष राशियों के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। अपने विशेष जिन राशियों के लिए स्वास्थ्य के लिए बताए हैं उसका थोड़ा विशेष ध्यान रखें और अपना पूरी तरह से अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। पंडित जी आज का दिन है शुक्रवार और आज के दिन माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा अमूमन हमने घरों में होती हुई देखी है। जो महिलाएं आज के दिन व्रत रखती हैं उन्हें क्या कुछ नियमों का पालन करना होता है और क्या कुछ विधि विधान इस पूजा के दौरान देखने को मिलते हैं? देखिए आज जो दिन है शुक्रवार है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः का आप जाप कर सकते हैं अगर धन की इच्छा रखते हैं तो, या आप पे कर्ज बहुत बढ़ गया है तो आप माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करें तो उससे आपको उद्धार होगा। साथ ही आप माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी आराधना कर सकते हैं। सफ़ेद शुक्र बुधवार का दिन है, ये शुक्रवार का आज का दिन है तो आप सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं, जैसे दूध, चीनी, चावल, आटा, कुछ भी सफ़ेद चीज़ें जो अपने श्रद्धा अनुसार है, वस्त्र आप दान कर सकते हैं तो आपके लिए विशेष खास रहेगा। और अगर हो सके तो आप गाय को चावल खिलाइए, सफ़ेद चावल आप गाय को खिलाएंगे तो आपका दिन शुभ जाएगा और आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही मैं कुछ और विशेष आपको बताना चाहूँगा कि इस माह आपका कार्य सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग और आपका पुष्य अमृत योग बन रहा है, तो अलग अलग तिथियों पर बन रहा है। जैसे कार्य सिद्धि योग 1, 2, 3, 5 और 11, 13, 18, 23, 24 व 27, 29, 30 तारीख को बनना है, तो इस तारीख में आप देख लें अगर कोई व्यापार, कोई कार्य या कुछ भी आप शुरू करना चाहते हैं तो वो आपका कार्य सिद्धि, मतलब उस कार्य में आपको सिद्धि जरूर मिलेगी, आपका कार्य चलेगा और सफलता मिलेगी। वहीं अमृत सिद्धि योग 24 नवंबर को है, इस दिन भी आप विशेष पूजा अर्चना के साथ आप कर सकते हैं। वहीं पुष्य अमृत योग 5 नवंबर को है तो ये दिन भी खास रहने वाला है। वहीं द्वि पुष्कर योग भी बन रहा है जो 19 और 28 नवंबर को है तो ये भी खास है, ये विशेष है। अगर इसमें आप कोई अपना नया व्यापार कारोबार के साथ आप नौकरी कहीं नए नौकरी परिवर्तन किए हैं आपको वहाँ पे ज्वाइन करना है तो आप जाके कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा और समय अच्छा भी। ये तो पंडित जी हर एक दिन का कुछ ना कुछ विशेष जरूर होता है, आज के दिन का विशेष क्या है? देखिए आज का दिन विशेष है और जो वैभव लक्ष्मी का व्रत रखते हैं माँ लक्ष्मी को, देखिए माँ लक्ष्मी जो है देवियों का स्वरूप है, माँ लक्ष्मी को आप पीले, क्योंकि भगवान विष्णु को भी प्रिय है, पीले फूल फल या वस्त्र चढ़ाएं। साथ ही आज शुक्रवार भी है तो सफ़ेद आप फूल भी अर्पित कर सकते हैं, तो इससे भी माँ सरस्वती को भी अर्पित कर सकते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। साथ ही पूजा विधान में आप जरूर माता को आप लौंग इलायची जरूर अर्पित करें, सफ़ेद मिष्ठान उनको अर्पित करें, खासकर बर्फी को दूध से बना हुआ माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है और आपके पूजा में जरूर सिद्धि मिलेगी और आपके सफलता योग रास्ते खुलेंगे, द्वार खुलेंगे और आपको निश्चय ही सफलता मिलेगी।
तो देखिए पंडित जी, ये तो रही तमाम राशियों की बात, लेकिन लगातार इस कार्यक्रम के दौरान ही मेल के जरिए काफी तरीके के सवाल भी हमारे पास आ रहे थे। देखिए, हमारे पास एक मेल आया है जो प्रखर जी का है। प्रखर जी हैं उन्नाव से। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 29 नवंबर 1988 है और इनका टाइम है शाम के 4 बजे, 4:30 बजे के आसपास का समय इन्होंने लिखा है। तो इनकी जो कुंडली बन रही है वो कर्क लगन और सिंह राशि बन रही है। तो इनका सवाल है कि हमें करियर में तरक्की नहीं मिल पा रही है और हम स्थान परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं, तो क्या संभव है? तो हम इनको यही बताना चाहेंगे कि इनका जो दशा चल रहा है, शनि में, गुरु में बुध चल रहा है, इस पर थोड़ा विशेष ध्यान रखना होगा। अभी जैसे ही इनका ये दशा बुध की चेंज होगी तो आप स्थान परिवर्तन भी कर सकते हैं और आपके करियर में जनवरी 2024 से अच्छे योग बन रहे हैं। आपको नया रास्ता भी मिलेगा और आपके करियर में अच्छे ग्रोथ के योग बन रहे हैं। आपके करियर में शांति मिलेगी और आपका कार्य आगे बढ़ेगा। तो हमारे दैनिक कार्यक्रम समय चक्र में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी और कल एक बार फिर इसी खास कार्यक्रम में हमारी आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।